गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। एज यू नो दैट वी आर डूइंग कंटिन्यूसली रिवीजन एंड वी आर रिवाइजिंग केमिकल काइनेटिक्स। दिस वन इज द लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर एंड इन दिस चैप्टर वी नो द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस based upon the rate of reaction, factor affecting the rate of reactions. Then we saw the rate law expression. Now we will see here the rate constant. Okay, what rate constant? Before defining the rate constant, we will take a equation constant. It is also known as velocity constant. It is also known as velocity constant. इसको हम velocity constant भी कहते हैं। अगर हम suppose कि क्या कहेंगे rate इक्वल टू के ए बी हमने ये लिया। अगर ये मान लें कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू 1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ओके, देन व्हाट विल बी हैपन हियर? देन रेट will be equal to k, यानी कह सकते हैं कि रेट कॉन्स्टेंट और वेलोसिटी कॉन्स्टेंट इज द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट इज टेकन 1 यूनिट। यू कैन राइट हियर दस वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी constant or rate constant is defined as rate constant, velocity constant or rate constant is defined as the स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन विच आर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन concentration when concentration of reactants when concentration of reactants are taken unit or 1 mole per लीटर, ठीक है। तो ये रेट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है जबकि कंसंट्रेशन जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनका कंसंट्रेशन अगर 1 मोल पर लीटर है तो वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट के होगा और उस कंडीशन में हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हमारा जो होता है वो वेलोसिटी कांस्टेंट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हो जाता है जबकि कंसंट्रेशन अगर रिएक्टिंग स्पीसीज का हम 1 मोल पर लीटर लें तो, ठीक है। तो ये हमारा डिफिनेशन हो गई रेट कांस्टेंट की, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है कि
यूनिट पे आएंगे, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट देखेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अगर देखा जाए की इक्वल टू रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, इक्वल टू रेट है, तो रेट इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, ठीक है। यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 दिया गया है तो अपॉन टाइम हो जाएगा, तो ये हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम के पावर में माइनस 1, ठीक है, टाइम के पावर में माइनस 1। यहाँ पे ये यूनिट हो सकता है पर सेकेंड, पर मिनट, डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस मोड में हो रहा है, रिएक्शन किस मोड में हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ यहाँ पे और बता दें, ठीक है, अगर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर कोई रिएक्शन ऐसा हो, अगर हमें किसी nth ऑर्डर के रिएक्शन के लिए निकालना हो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आगे हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 1 अपॉन टाइम समय रहेगा, टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन, इसका आगे हम यूज करेंगे कंसंट्रेशन एन माइनस 1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम 0 ऑर्डर लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अगर किसी चीज़ के ऊपर 0 है तो वो 0 हो जाएगा, या 2 लिखेंगे तो 1 आएगा, 3 लिखेंगे तो वो आएगा। तो इस तरह से हम के की यूनिट अलग अलग जो है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग एग्जांपल में इसको देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या देखेंगे हम लोग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसको नोट कर लिया होगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और अब ये रेट कांस्टेंट लिखने तो अच्छा होगा, हम लोग करेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट रहेगा तो ज्यादा बेटर है, रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट का हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें रेट कांस्टेंट को देख करके हम रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम जो है कि रेट कांस्टेंट से जान सकते हैं, ठीक है, कितनी वैल्यू है उसके ऊपर। जैसे कि पहला हमारा ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट,
greater the value of rate constant, faster will be reaction. Faster will be reaction. ठीक है, रिएक्शन उतना फास्ट होगा, नहीं बात समझे? ठीक, अब किसी एक रिएक्शन के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वह अलग अलग होती है। पहले तो ये जान लेते हैं कि जब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स होती है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंट कर देंगे तो सेम रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख सकते हैं कि ईच रिएक्शन हैज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड एट द, यहाँ पे लिखेंगे एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे क्या होती है, इस रिएक्शन है जो पर्टिकुलर, कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर किसी भी रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है इसका रिएक्शन। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर भी वो फिक्स होगा, वहाँ पे टेम्परेचर भी पर्टिकुलर होगा तभी, लेकिन सेम रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होती है। For the same reaction, value of rate constant will be different at different temperature. ठीक है, तो ये चीज हमने जान लिया कि अगर एक ही रिएक्शन है अलग अलग टेम्परेचर पे हो रहा है तो उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। आई बात समझे, उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, और लास्ट ये कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है कभी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फोर्थ पॉइंट है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन
concentration do not depend upon the concentration of the reactant. Concentration of the reactant. ठीक है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि चार करेक्टरिस्टिक फीचर है। एक तो ये कि अगर जितना ज़्यादा वैल्यू होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, फास्टर विल बी रिएक्शन। रिएक्शन फास्टर भी होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्या जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। हर रिएक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू रेट कांस्टेंट की होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, लेकिन अगर कोई सेम रिएक्शन है, फॉर ए सेम रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट एट द डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होगी। यानी टेम्परेचर वेरिएशन करते जाएंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू किसी एक रिएक्शन के लिए वैरी करती जाएगी, वो क्या होगी, वैरी करती जाएगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो कभी डिपेंड नहीं करती है कंसंट्रेशन के ऊपर, वो कभी जो है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो ये हमारे चार जो है कि करेक्टरिस्टिक फीचर हो गए या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट हो गए। ठीक है, याद रहेगा, एक तो ग्रेटर द वैल्यू, ग्रेट फास्टर विल बी रिएक्शन, दूसरा किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है फिक्स टेम्परेचर पे, तीसरा हमारा ये है कि जो हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमेशा चेंज होता रहता है टेम्परेचर के साथ साथ किसी एक रिएक्शन के लिए, और चौथा हमारा हो गया कि वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं रेट रिएक्शन के बाद हम लोग अब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पे आएंगे कि व्हाट इज़ ऑर्डर व्हाट इज़ मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी, फिर देखेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलिए हमारा जो है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी। क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पे अब हमें देखना है मॉलिक्यूलरिटी, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में अगर जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, एक तो स्टेप नहीं जिसमें हम जिस स्टेप से रेट डिटरमाइन करते हैं किसी रिएक्शन का, तो जब ड्यूरिंग द कोलिजन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं जो कोलाइड कर रहे हैं, वो कोलाइड करके प्रोडक्ट में बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, वो कोलाइड करके रिएक्शन कर रहे हैं उन सारे के टोटल नंबर्स को हम जो है मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टी रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन is known as मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन।
molecularity of that reaction. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन. जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में हम लोग यहाँ पे लेते हैं N2 प्लस, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तो 3NH2 और यहाँ पे बना 2NH3. यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, क्यूलरिटी वो हो जाएगी 3, यहाँ पे है H2, तो 3 and 1, 4, क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 4. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी 4 होगी. यानी कि हम मॉलिक्यूलरिटी को किसी रिएक्शन को देख करके भी बता सकते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग. जैसे PCl5 ये डिकम्पोज होके PCl3 प्लस Cl2 बनाता है, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ पे 1 होगी. ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं SO2 2SO2 प्लस O2. ठीक है, तो ये बन जाता है 2SO3. तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी हो गई 3. ठीक है, एक दूसरा रिएक्शन हम लेते हैं, दूसरा भी रिएक्शन यहाँ पे ले लेते हैं. दूसरा रिएक्शन ये है कि सपोज CH3 CH2 COO C2H5, ये वाटर से हाइड्रोलाइज हुआ. ठीक है, अब यहाँ पे बनाया CH3 CH2 COOH प्लस C2H5 OH. तो इसको हम, ये हमारा एस्टर है, ये क्या है? एस्टर. ठीक है, और ये हमारा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे इसको, प्रोपेनोइक एसिड, और इसको हम इथेनॉल बोलेंगे. ठीक है, इथेनॉल. तो ये हमारा एस्टर और वाटर मिला करके यहाँ मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई. ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. मैंने नोट कर लिया सबने, अब इसको हम इरेज करते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी जो रिएक्शन के होते हैं कभी भी 0 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा. ठीक है, हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव वैल्यू रहेगा. मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन नेवर कैन बी जीरो और निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, और जो हमारे यहाँ मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल, मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल अप्लीकेबल ओनली फॉर मॉलिक्यूलरिटी इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन.
एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, ओके। नोट कर लिया इसको, और इसको एक चीज और बस लास्ट लिख लेते हैं, इट कैन बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली, इट कैन बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी जैसे रिएक्शन लिखा है तो उसको हम देख सकते हैं, जैसे यूनिमॉलिकुलर एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था PCl5 डीकम्पोज होकर PCl3 प्लस Cl2 बनाए, बाई मॉलिक्यूलर इसमें जैसे 2HI है, ये टूटा तो यहाँ पे H2+I2 बन जाएगा, ठीक है। ट्राई मॉलिक्यूलर जैसे SO2 2SO2+O2 मिल करके 3 2SO3 बना लेता है, ठीक है। सो आज इसी तरह से हमारी ये मॉलिक्यूलरिटी होती है, बाई मॉलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट का, अरे सर यूनि मॉलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूल है, बाई मॉलिक्यूलर का मतलब दो मॉलिक्यूल है, ट्राई मॉलिक्यूलर का मतलब है 3 है। अब इसके बाद जैसे जैसे रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये क्या क्या जान लिया कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन ड्यूरिंग द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, किसी भी रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, रिएक्शन भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। अब मॉलिक्यूलरिटी जो है कि अगर एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का है तो यूनि मॉलिक्यूलर, 2 है तो बाई मॉलिक्यूलर, 3 है तो ट्राई मॉलिक्यूलर। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट है वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए काम करता है, न कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, या कभी जो है कि नेगेटिव नहीं हो सकती है, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी के बारे में अच्छे से जान लिया, अब इसके बाद हम लोग जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, वो हमारा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट होगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, जिसमें हेडिंग डालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको हम देख सकते हैं, यानी कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखते हैं हम कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ रिएक्शन ड्यूरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि किसी भी रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं वह उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। फिर से एक बार जान लीजिए,
ड्यूरिंग द रिएक्शन, ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्जन जो उनका होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो बच्चों कल हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।